काफी इसमें जो अंदर आने में दिल में धक धक हो रही है बहुत ज्यादा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड्स रास्ता है दूसरा, इसका जीना भी है, ये ऊपर आने का है और ये इसकी दूसरी बालकोनी है जो साइड में यार जिसको कहते हैं वो है। और अब मैं चलता हूँ नीचे। ये जो इसका एंट्रेंस है ऊपर आने का, ये देखे कितना छोटा है, बहुत छोटा है, काफ़ी सक्रिय है और भिंचा हुआ है। चलते हैं अभी नीचे, यहाँ काफ़ी अंधेरा भी है, आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि जीना बहुत खड़ा है। ये आ गए हम अभी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hey guys, welcome back to my new vlog. मैं हूँ शहनवाज और मैं आया था एक यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद दिखाई देगी, उसके मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। ये देखें, मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा किस तरीके की है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, देखें। मैं आया था ये मस्जिद का, मुझे व्यू दिखाई दिया, मैं सोचा इसका एक ब्लॉग बना दूं। देखें ये पुरानी मस्जिद जो है पूरी बंद है, मस्जिद है ये काफ़ी पुरानी है मुगलों के ज़माने की, मगर ये बंद पड़ी हुई है। अब इसका इतिहास के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं इसका आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें ये कितनी पुरानी मस्जिद है, ये रास्ते भी देखें। तो इसका आगे का दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर इसमें गुंबद बनी हुई है और एक पूल टाइप का भी है, ये देखें पूरा ऊपर। ऊपर गुंबद बनी हुई है और बड़े पहाड़ी जैसे जो पत्थर होते हैं ना, उनसे इस मस्जिद का काम हो रखा है। और नीचे फर्श की बात करें तो नीचे फर्श पे भी पूरा पत्थर बिछा हुआ है यहाँ पे, मगर ये वीरान पड़ी है मस्जिद, इसमें कोई काम अभी मतलब नमाज वगैरह नहीं होती है। और पुरानी काफ़ी मस्जिद है, ये देखें यहाँ कितना प्यारा है और आर्च टैग का पूरा बना हुआ है, मगर इसकी जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है और इसमें काम वाम तो चल नहीं होता नहीं है, आना जाना लोगों का भी बहुत कम है। तो मैं आगे का भी दिखाता हूँ आपको। देखें पहले के ज़माने में कभी शायद इसमें नमाज़ वगैरह आया ये चालू होती हो, आदमी आते जाते हों, मगर अभी तो फिलहाल ये बंद है। ये इधर का व्यू देखें आप इसका, और यहाँ एक अंकल है उनसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। फ़िलहाल तो अभी मस्जिद बंद है, ये बहुत कम इसके अंदर लोग आते जाते हैं, मगर है बहुत बड़ी है मस्जिद। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ऊपर जाने का भी एक रास्ता है यहाँ से, ये देखें यहाँ भी वही डिज़ाइन बना हुआ है, मगर ये पूरी तरीके से ज़्यादा पुराना होने की वजह से ख़राब हो चुका है, पूरा टूट फूट चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ आपको, आगे लेके चलता हूँ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक गुंबद बनी हुई है, इसमें दो गुंबद और दो छोटी गुंबद है, ये देखें ऊपर का व्यू इसका। इसमें आने जाना लोगों का बहुत कम है, इसलिए वीरान पड़ी हुई है ये मस्जिद, इधर से देखें। और इधर की बात करें तो इसमें इधर एक बालकोनी वगैरह कुछ बाहर देखने के लिए छिपा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको इधर का व्यू, ये देखें ये बाहर का है। और इधर का, इधर एक साइड गुंबद बनी हुई है छोटी सी, ये रास्ता है अंदर का, यहाँ से जाकर दिखाता हूँ आपको।
इस साइड का ये छोटी साइड की गुंबद है। और फिर इसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ से साइड से एक रास्ता गया हुआ है, बहुत छोटा सा रास्ता है शायद ये ऊपर जाने के लिए। हाँ तो मैं इसमें ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको क्या है। इसमें ऊपर चलते हैं, जीना बहुत ख़राब है और काफ़ी छोटा जीना है। ये देखे हम आ गए हैं अभी ऊपर, ऊपर वाली गुंबद में आ गए हैं। तो ये है इसका जो ऊपर का एरिया है ना वो है, ये देखें आपको नीचे का वो दिखाता हूँ व्यू, ये देखें। और करीब दो मंजिल के जितना ऊँचे, दो मंजिल की हाइट होती है ना उसके जितना है ये देखें। और फिर इसके बाद ऊपर के लिए एक जीना और है यहाँ से, यहाँ से फिर एंट्रेंस के लिए और ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए एक जीना और है। चलो तो फिर ऊपर और चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी एक रास्ता है इसमें ऊपर आने के लिए, यहाँ से भी बना हुआ है एक रास्ता। काफ़ी पुरानी मस्जिद है और फाह ये जो रास्ता, जिस रास्ते से हम आए थे अभी ऐसा लग रहा है जैसे नीचे को खाई सी जा रही हो, गुफा हो। और फिर आगे से मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलें तो इधर से इसका व्यू जो देखोगे आप कुछ इस तरीके का है। और इससे आगे फिर चलें तो ये जो मेन गुंबद है इसकी, वो जो मेन गुंबद है वो ये है, ये देखें इसका पूरा व्यू देखें। और इससे अगर आगे हम चलते हैं तो इससे आगे भी यहाँ देखो आप एक छोटा सा स्पिलर टाइप का वो देख सकते हैं ये बना हुआ है। मतलब इसकी जो हालत है वो काफ़ी अभी ख़राब है क्योंकि इसमें मरम्मत का काम अभी शायद से बंद है, इसमें चलता नहीं है और बस खाली खंडर टाइप की पड़ी हुई है अभी ये। ये देखें एक मीनार यहाँ पे है इसमें और ये कुछ डिज़ाइन वगैरह से बने हुए हैं, एक गुंबद यहाँ पे है। तो फाइनली इसमें जो है तीन गुंबद बनी हुई हैं जो मैन इसकी गुंबद है। ये बीच वाली सबसे बड़ी है, बीच वाली जो मैन है वो सबसे बड़ी गुंबद है ये वाली आप जो देख रहे हैं। और कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है ये देखें। और नीचे की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे पूरा आगे का होल खाली पड़ा हुआ है और शायद से ये बीच में इन्होंने तालाब वगैरह सा बनाया हुआ था, जो होज होती है जो वजू वगैरह करने के लिए होता है शायद वो है, बाकी आगे पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं, फिलहाल सारी ऊपर का मैंने व्यू आपको दिखा दिया है, ये सबसे बड़ी गुंबद है ये देखें। और इसके बाद चलते हैं अब नीचे, अब आपको पूरी तरीके से नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं क्या क्या है इसमें मस्जिद में। ये काफ़ी पुरानी और इसकी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हालत है, ये देखें ये इसका एंट्रेंस है ऊपर से नीचे आने का। और ये इसकी जो बालकोनी है वो है, जो साइड मीनार जिसको कहते हैं ये वो है। और काफ़ी इसमें जो अंदर आने में दिल में धक धक हो रही है बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइड रास्ता है दूसरा, इसका जीना भी है ये ऊपर आने का है। और ये इसकी दूसरी बालकोनी है जो साइड में यार जिसको कहते हैं वो है। और अब मैं चलता हूँ नीचे, ये जो इसका एंट्रेंस है ऊपर आने का ये देखें कितना छोटा है, बहुत छोटा है, काफ़ी सक्रिय है और बिछा हुआ है। चलते हैं अभी नीचे, यहाँ काफ़ी अंधेरा भी है, आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि जीना बहुत खड़ा है। ये आ गए हैं हम अभी फ़िलहाल हम नीचे, ये देखें ये इसका जो जीना ऊपर जाने का देखें कितना छोटा है, बहुत छोटा जीना है इधर से देखें। और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं नीचे, ये कुछ इस तरीके की मस्जिद है, ये अभी मस्जिद जो है खंडर पड़ी हुई है पूरी तरीके से। ये इसका ऊपर गुंबद है जो साइड गुंबद है, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको जो मैन ये है, ये देखें इसका आपको चारों साइड्स का व्यू दिखाता हूँ। और इसका ऊपर का व्यू ये है, जो इसकी मैन गुंबद है वो है ये, और ये शायद से यहाँ पे आवाज होती थी, ये मैन जगह है जो इसका एंट्रेंस है वो, जो एंट्रेंस नहीं सॉरी एंट्रेंस नहीं इसका जो मैन जगह है जिस जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी वो ये है। और ये शायद
ये वो है जो खुतबा देने के लिए इमाम साहब खड़े होते हैं और बैठ के यहाँ जहाँ खुतबा दिया जाता है, ये वो सीढ़ियाँ हैं। और इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ भी आर्किटेक्ट का काफ़ी अच्छा काम हो रखा है, कुछ कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। फ़िलहाल अभी की बात करें तो अभी ये मस्जिद जो है वो वीरान पड़ी हुई है, ये देखें आप इधर का व्यू देख लें। और इसमें जो है अभी खाली तो परिंदे और कबूतर वगैरह ही घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसका जो होल मैन होल है वो भी काफ़ी बड़ा हो है, कुछ यहाँ कब्रें बनी हुई हैं देखें, तो ये है 3 कब्रें हैं और हॉल भी काफ़ी बड़ा हो है इसका। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये है इसका साइज जहाँ वो जो खाना वगैरह जो पानी भरते थे होंगे वो है ये। और इसके बाद मैं आगे दिखा देता हूँ आपको इसका आगे का व्यू जो है किस तरीके का है, देखें कुछ इस तरीके का व्यू है इसका आगे का। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी पुरानी भी है, ये पता नहीं कौन से सन में बनी हुई है। इधर का बात करें तो इधर एक छोटा सा मीनार बना हुआ है ये देखें, और साइड्स का आपको पूरा व्यू देखना है तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है इसका पूरा व्यू, ये देखें। कुछ इस तरीके का व्यू है पूरा। इस साइड से इधर एक गेट और है वो भी मैं दिखा देता हूँ, और इधर एक मीनार और लगा हुआ है ये देखें, ये वाला एक मीनार और है इधर लगा हुआ है ये मीनार। और इधर की बात करें तो इधर एक ऊपर जाने के लिए एक जीना और बना हुआ है, वो भी काफ़ी छोटा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा जीना है ये देखें। ये इसका ऊपर जाने का जीना है, ये शायद बंद नहीं है, ये भी खुला है देखें, खुला है ये ऊपर जाने के लिए। फ़िलहाल तो बस अभी इसमें इतना ही है, बाकी ये मस्जिद है बहुत बड़ी और काफ़ी मज़बूत तरीके से बनी हुई है। इसका जो एंट्रेंस है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें अंकल भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसका जो एंट्रेंस है वो ये है, ये भी काफ़ी टूट फूट गया है, देखा देखें ये भी काफ़ी टूट फूट गया है, इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है। इसका भी इस अंकल से बता सकते हैं, अंकल क्या नाम है इस मस्जिद का, नाम है कोई मस्जिद मोड़? अच्छा, किसने बनाई थी बनवाई? नहीं पता। तो भाई इस मस्जिद इस जो ये मस्जिद है इसका नाम है मस्जिद मोड़। गाइस यही जो मस्जिद है वो मैंने दिखा दी आपको, और इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी अभी ये फ़िलहाल तो पड़ी है वीरान, ये देखें। इस मस्जिद का जो नाम है वो है मस्जिद मोड़, और ये किसने बनवाई क्या बनवाई इसके बारे में तो कुछ पता है नहीं, ये देखें। इसका भी खस्ता हालत है इसकी भी, ये देखें जो मैन एंट्रेंस है वो ये है। तो फिलहाल अभी लोग तरीके का है यहाँ का, एक गुंबद टाइप का उधर बना हुआ है। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो कुछ इस तरीके का है। और जो इसका बैक सीन है वो भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का है, ये देखें ये कुछ इस तरीके का मीनार बना हुआ है इसमें। और इधर से देखें और उधर की बात करूँ तो मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये, पक्की नहीं है मगर ये अभी वीरान पड़ी हुई है, इसमें ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। उधर से दिखाना चाहूँ तो उधर से मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का इसका। फ़िलहाल अभी इसमें आना जाना है नहीं किसी का, ये पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है। ये था इसका पूरा बैक सीन, वो मैंने आपको दिखा दिया है।
बाकी इसका जो पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। ये देखें कुछ इस तरीके का व्यू है इसका। ये देखें कुछ इस तरीके का व्यू है इसका। अब मैं इस ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, तब तक के लिए गुड बाय।